नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर जिले से। जी हां, सागर के सुर्खी थाना अंतर्गत विद्वास गांव में एक महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या हुई है। जी हां, दरअसल मामला जो है सागर के सुर्खी थाना अंतर्गत विद्वास गांव में खेत में बने घर के नज़दीक महिला की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है। सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला के पति रामजी पटेल ने बताया है कि वो मजदूरी के लिए गए थे और उसे सूचना मिली कि उसकी पत्नी घायल अवस्था में खेत में बने घर के नज़दीक पड़ी हुई है, जिसके बाद रामजी पटेल ने इसकी सूचना सुर्खी पुलिस को दी, जिसके बाद महिला को इलाज के लिए सुर्खी अस्पताल पहुंचाया, जहां काफ़ी खून बह जाने से महिला की मौत हो गई। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला कुछ साल पूर्व अपने पहले पति दशरथ लोधी को छोड़कर रामजी के साथ रहने लगी थी और रामजी पटेल ने भी महिला की हत्या का शक उसके पहले पति दशरथ लोधी पर जताया है। वहीं पुलिस ने दशरथ लोधी की तलाश की, लेकिन वह गांव में नहीं मिला है। वहीं एडिशनल एसपी विक्रम सेन ने बताया है कि पुलिस पूरे मामले की हर पहलू पर जांच कर रही है। पुलिस को महिला के पहले पति पर शक है, पुलिस की जांच जारी है। ग्राम विद्वास जो पीएस सुर्खी के अंतर्गत आता है, वहाँ की एक महिला है नीरा लोधी, जिसने 2 साल पूर्व ही फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ के दूसरे के साथ अभी शादी करी, पटेल समाज के व्यक्ति के साथ। तो कल पुलिस के पास मैसेज आया कि उसको कुछ लोगों ने मारा है और शार्प ऑब्जेक्ट की चोटें हैं सिर में। पुलिस इमीडिएट स्पॉट में गई, उसको लेकर के आई हॉस्पिटल में, उसका सुर्खी में इलाज कराया और 307 की FIR इसमें रजिस्टर्ड करी। लेटर ऑन इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है, तो हमने उसमें मर कायम कर लिया है, तदनुसार सेक्शन भी उसमें बढ़ी जाएगी। और अभी जो प्राइमा फेसिस में साक्ष्य आ रहे हैं, तो संभवतः उसके साथ जो फर्स्ट हस्बैंड था दशरथ लोधी, उससे कुछ विवाद हुआ था, उसी ने शायद इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस अभी सभी एंगल से इसमें विवेचना कर रही है।